Dear ICSE and ISC student, पहले वाले बोर्ड एग्जामिनेशन 2021, 72 आवर्स आपके जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि आपका रिजल्ट अभी आपके स्कूलों में है और 24th, 25th और 26th जून 2021 तक देश भर के सभी ICSE अफिलियेटेड स्कूल ICSE 2021 के स्टूडेंट के रिजल्ट को देखने के साथ उनको फाइनलाइज कर रहे होंगे. प्रैक्टिकल के मार्क्स, प्रोजेक्ट के मार्क्स और इंडिविजुअली स्टूडेंट ने जो मार्क्स अचीव किए हैं और CISCE ने जो रिजल्ट बनाकर स्कूलों को भेजे हैं उनमें किसी तरह के ह्यूमन एरर, स्कूल रिलेटेड एरर या फिर कोई भी स्कूल के कंसर्न है स्टूडेंट को लेकर, तो सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर और ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर प्रिंसिपल के साथ साथ एजुकेशन इंस्ट्रक्टर और एजुकेशन सुपरवाइजर ऑफ योर स्कूल यह बताएंगे कि क्लास 10th ICSE 2021 के रिजल्ट में क्या कुछ चेंजेस चाहिए. इसके पीछे फैक्ट और फिगर कंप्लीट होने चाहिए. मतलब यह कि अगर स्कूल किसी स्टूडेंट के मार्क्स में इंप्रूवमेंट चाहते हैं या कुछ स्टूडेंट के साथ चाहते हैं कि उनके मार्क्स में स्लाइट एवरेज इंक्रीज हो जाए, उस कंडीशन में वे रिजल्ट को सुपरवाइज करने के साथ यह रिकमेंडेशन विथ प्रूफ करेंगे. कहने का मतलब यह है कि स्कूल फैक्ट्स और फिगर CISCE को भेजेंगे कि इस स्टूडेंट ने क्लास 9th या क्लास 10th में बेहतर परफॉर्मेंस किया है या क्लास 10th में कंसिस्टेंटली बेटर परफॉर्मेंस किया है, तो उस आधार पर इन स्टूडेंट के रिजल्ट को थोड़ा सा इनहांस किया जा सकता है या अपर हैंड दिया जा सकता है. यही बात ISC क्लास 12 2021 के बोर्ड स्टूडेंट के साथ 30th जून को प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी कि 1st जुलाई, 2nd जुलाई और 3rd जुलाई को यह फाइनल हो जाएगा ICSE क्लास 10th 2021 के स्टूडेंट के लिए उनके स्कूल में कि क्या मार्क्स में चेंजेस चाहिए और स्कूल अपनी ओर से क्या रिकमेंडेशन करता है, क्योंकि स्कूलों के रिकमेंडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे CISCE के लिए अब के समय में. वरी नॉट माई डियर स्टूडेंट, CISCE ने आपका रिजल्ट बना लिया है और यह पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रिजल्ट है, लेकिन स्कूल के लेवल पर स्टूडेंट के परफॉर्मेंस, पर्टिकुलर स्टूडेंट के इनहेंसमेंट और कुछ स्टूडेंट के मार्क्स को लेकर ओवरऑल इंक्रीज को लेकर ही ये स्कूल जो रिकमेंडेशन देंगे उस पर पॉजिटिवली एंड 100% एक्यूरेटली CISCE रिवाइज करके इन रिजल्ट को अपडेट कर देगी. तो इतनी बड़ी और इम्पोर्टेंट जानकारी को देने के लिए थम्सअप तो बनता ही है. वीडियो को शेयर करने के साथ सब्सक्राइब करना याद रखें. नेक्स्ट वीडियो में मैं अपडेट कर दूंगा कि स्कूल वाइज या जोन वाइज CISCE को किस तरह से मार्क्स इंप्रूवमेंट या मार्क्स अपडेट को लेकर क्या रिकमेंडेशन मिले हैं और जो सारे चेंजेज पॉइंट वाइज स्कूलों द्वारा स्टूडेंट के रिजल्ट में या सब्जेक्ट वाइज इंक्रीजमेंट हो रहे हैं, तो उसमें क्या पॉजिटिव या लिटिल निगेटिव भी इफेक्ट पड़ सकता है तो होगा. इसके लिए वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को शेयर करना याद रखें.